हमारी मम्मी की बहुत तबीयत खराब थी आज से 7-8 साल पहले, 16 घंटे थे। अच्छा। माताजी से अर्जी लगाई। हाँ। पैदल आऊंगा नवरात्रि हाँ, में हाँ, हाँ। तो माता रानी ने वो लाज रखी मेरी। हाँ। बड़ी दूर है यात्रा, कैसे सफल हो पाएगी? ये तो कुछ नहीं, अगर मन में माता रानी ने और बुलाया तो इससे भी लंबा कठिन यात्रा कर सकते हैं। अभी उज्जैन गए थे 1 महीना पहले पैदल। माता रानी की श्रद्धा हमारे पे बनी रहेगी, और कुछ सोते नहीं है, बस मात्र 5-5, 10-10 मिनट बैठेंगे कहीं, बस बात 2-3 बात करेंगे, फिर बस घूम घूम जय माता दी अपने धुन में निकल चल जाए। ये इनका उपाय रहता है भैया, 9 दिन तक जो कुछ नहीं बोल सकते, इनकी सेफ्टी के लिए मैं यहाँ। जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, आवाज नहीं आई जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, हो जाएगी यात्रा पार जय माता दी। माता पे है भरोसा, हमें है भरोसा, जय माता दी, जय माता दी भैया। नमस्कार, न्यूज 18 लोकल देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ अनुराग पांडे, और इस समय मैं घर जा रहा था और रात के करीब 12 या 12:15 हैं, तो बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, बिल्कुल 1 बज रहे हैं। और देखिए हमें कौन मिला है, एक समूह मिला है जो नवरात्रि, जो माँ का अनूठा संगम है, पूरा भोपाल सजा है, तालों की नगरी बिल्कुल माता के रंग में रगी हुई है। इसी बीच हमें एक ऐसा समूह मिला है जो पैदल बिजासन दरबार जा रहा है, सलकनपुर माता के दर्शन के लिए जा रहा है। क्या नाम लिखते हो भाई? साहिल कनाड़े। सर साहिल जी, जी सब लोग नहीं सोच पाते हैं, कोई VIP तरीके से जाता है, कोई कार से जाता है, कोई अच्छे से जाता है, कोई अपनी श्रद्धा से। कैसे ये आइडिया आया कि ऐसे जाना है माता के दरबार में? हमारे भैया ने हमें बोला था कि एक बार चलो तुम्हें भी मजा आएगा। अच्छा। तो हम भी हमारी माता रानी के लिए दिल से जाएंगे, दिल से सेवा करते माता रानी की। अच्छा, कितनी उम्र है तुम्हारी? 23 साल। स्कूल में हो, कॉलेज में हो? कॉलेज में। कॉलेज में हो, पैदल जा रहे हो, कैसे मैनेज करोगे सब कुछ? माता रानी की श्रद्धा हमारे पे बनी रहेगी, मैया पार कराएंगी, मैया पार कराएंगी। जय माता दी। झंडा लेके रखा है इन्होंने, और देखिए माता का निशान लेके रखा है, पैदल निकले हैं, सर पे पट्टी बंधी है। क्या नाम लिखते हो? समन मगोरिया। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? 12 नंबर मल्टी। 12 नंबर, भोपाल के रहवासी हो? हाँ। भोपाल से सलकनपुर धाम, बड़ी दूर है यात्रा, कैसे सफल हो पाएगी? ये तो कुछ नहीं, अगर मन में माता रानी ने और बुलाया तो इससे भी लंबा कठिन यात्रा कर सकते हैं। अच्छा। अगर बुलावा आया माता रानी का तो मैं दिखा दूं इनके पाँव में, देखिए बिल्कुल इनके पाँव में कुछ भी नहीं है, न चप्पल है न कुछ है, कुछ नहीं, ऐसे चद्दर डाल के रखी है बस। सोने का कैसे करोगे बीच में? कुछ सोते नहीं है, बस मात्र 5-5, 10-10 मिनट बैठेंगे कहीं, बस बात 2-3 बात करेंगे, फिर बस घूम घूम जय माता दी अपने धुन में निकल चले जाए। रुकते रुकते बैठते जय माता दी बोलते बोलते चले जाते हैं। अच्छा, कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करते। क्या नाम लिखते भैया? ये इनका उपाय रहता है भैया, 9 दिन तक जो कुछ नहीं बोल सकते, इनकी सेफ्टी के लिए मैं यहाँ, मतलब कुछ भी उनका नौ दिन तक कुछ इधर आ जाए, आप लोग इधर आ जाए तो 9 दिन तक कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं बोलते हैं, उपवास धारण करके रखा। उपवास धारण। तो देखिए ये भैया है, ये भी सलकनपुर धाम माँ बिजासन के दरबार जा रहे हैं, और ये कुछ बोलेंगे नहीं, इन्होंने 9 दिनों का मौन व्रत रखा है। जी भैया, क्या नाम लिखते हैं आप? प्रेम सिंह रघुवंशी। रघुवंशी जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? रायसेन जिले के। रायसेन जिले के हैं जी, और माँ बिजासन दरबार जा रहा हूँ, भोपाल में रहते हैं। अच्छा, भोपाल में रहते हैं। क्या करते हैं भोपाल में आप? भोपाल में साहब क्या अपन कारखाना है अपना। अच्छा। हाँ, छोटा मोटा माता रानी की कृपा से। माता चला रही है गाड़ी? हाँ, माता रानी चला रही रोजी रोटी अपनी। विचार कैसे आया कि मतलब हमारी मम्मी की बहुत तबीयत खराब थी आज से 7-8 साल पहले, 16 घंटे थे। अच्छा। माताजी से अर्जी लगाई। हाँ। पैदल आऊंगा नवरात्रि हाँ, में हाँ, हाँ। तो माता रानी ने वो लाज रखी मेरी। हाँ। तो आज से कम 7-8 साल हो गए जब से आ रही हूँ मैं माता रानी। हाँ। माता रानी की मर्जी है। हाँ। जब तक आ रहे हैं अपन, जब तक बन रही है जब तक माता रानी के दरबार में आते रहेंगे। अच्छा, आते रहेंगे? हाँ, आते रहेंगे माता रानी दरबार। तो फिर मन्नत मांगी, मैया की तबीयत सही हुई फिर? हाँ, मम्मी अभी है हमारी। अच्छा, सही हो गई मम्मी, मैया की कृपा। हाँ, सब माता रानी की कृपा से, इसीलिए आप अब। हाँ, जब से बोला है, जब से एक बार बोला था। हाँ। एक ही नवरात्रि आएंगे, अब माता रानी जो बुला रही है 5-6 साल हो गए, अपन रेगुलर जा रहे हैं, और अभी उज्जैन गए थे 1 महीना पहले पैदल। पैदल बाबा महाकाल के जा चुके, सावन के महीने में गए थे। सावन के महीने? हाँ, बाबा महाकाल के, वो खुशबक्ति से गए थे हम। अच्छा, कुछ लोग ये तो यंग हैं, लेकिन आप लोग अब उम्र भी एक सीमा रहती है। हमारी 35 साल हो गई। 35 साल, कैसे मैनेज करेंगे? बहुत कठिन यात्रा है। सब माता रानी कराएगी, अपन कौन होते हैं कराने वाले। अच्छा, सब माता भगवती का आशीर्वाद है। बैग में क्या क्या लेके रखा है आपने? फरार है अपना, खाना है, 2 कम्बल है, बस और कुछ नहीं। कट जाएगी यात्रा? कट जाएगी माता रानी की कृपा से। कपड़े हैं पहनने के? अच्छा। हाँ,
पहनने के कपड़े? हाँ, कितने जोड़ी कपड़े हैं? एक जोड़ी ये जाए, एक जोड़ी भाई नहा धो के पहनते हैं माता रानी के दरबार में जान के। अच्छा। हाँ, बस ज्यादा वजन नहीं ले जाते। हाँ, देखिए एक और है हमारे साथ जी, भैया क्या नाम? दीपक सोनी। सोनी जी, भैया के साथ ही जा रहा हूँ मैं तो 3-4 साल से। 3-4 साल से? हाँ भैया। और पैदल ही? हर हाँ, पैदल ही नंगे पैर और खुशी से जाता हूँ। खुशी से जाते हैं, भक्ति से जाते हैं। अच्छा, भैया ने ये चप्पल पहन के रखे, लेकिन छोड़ दी उनने तो। परमानेंट पहनता ही नहीं है चप्पल। चप्पल ही नहीं पहनते हैं? पहनते ही नहीं है, पहनता ही नहीं। क्यों ऐसी अनूठी भक्ति? माता रानी करा रही है, जो करा रही है, अपनी अपनी तो कोई भी साथ नहीं है। सब मैया की कृपा है, सब मैया करा रही है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं कचौड़ी समोसे के दुकान पे काम करता हूँ, नाश्ते का। काम करते हैं? हलवाई हैं, उनकी नहीं है। हाँ, अपनी नहीं, काम करता हूँ दूसरे की दुकान पे। अच्छा, लेकिन आप भक्ति देखें, इतनी अनूठी भक्ति है कि भोपाल के रहवासी हैं सभी के सभी। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये 3 लड़कों का ग्रुप है, ये 2 भैया लोगों का ग्रुप है, और ये मातम इतनी भक्ति और शक्ति है कि ये लोग पैदल जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैया हमारी नैया पार कराएंगी, बिजासन दरबार तक पहुँचाएंगी। खाने का भी कुछ नहीं है, बस थोड़े कपड़े हैं। लोकल 18 के साथ बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।